लिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित भाई ने आज का जो यह कार्यक्रम हो रहा है उसके उद्देश्य के बारे में विधिवत आपको जानकारी दी है। आप सभी जानते हैं हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कोई यह कह सकता है कि अपना प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी प्रशंसा में मैं बात कर रहा हूं। बहनों भाइयों, प्रशंसा में बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी सरकारों को इस आजाद भारत में काम करते हुए आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। जब से मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, गुजरात राज्य में जो मुख्यमंत्री रहे उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि अध्यक्ष जी, इस बात की सावधानी बरतिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाए उसका हम अक्षरशः पालन कर सके। और 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपने मेरे ही कंधों के ऊपर दी थी और इस बार भी के चुनाव में भी वह जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों के ऊपर दी। बार बार आपका यह आग्रह रहा है घोषणा पत्र संभल कर बनाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि जो हम कह रहे हैं हम उसे पूरा न करें। यानी हमारे कथनी और करनी, हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी केवल इस दुनिया की सबसे बड़ी ही राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों, यह भी आपको बताना चाहूंगा, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी यह मानते होंगे, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जैसे भी हो हमारी सरकार बननी चाहिए, उनका यह उद्देश्य हुआ करता है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाई, भारतीय जनसंघ के रूप में जिस समय हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी तब से लेकर आज तक, जिस विचारधारा को, जिस दार्शनिक अवधारणा को उस समय हम लोगों ने स्वीकार किया, जिस आइडियोलॉजी को स्वीकार किया, निरंतर उस पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रंश मात्र भी हमारा डेविएशन उससे नहीं हुआ है। यदि हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं?
क्यों हमारी विचारधारा जो है वह विचारधारा, वह हमारी दार्शनिक अवधारणा, वही हमको संदेश देती है, वही हमको यह प्रेरणा देती है कि हमको इस प्रकार की राजनीति करनी है कि हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो। हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं इस देश को। और अपनी ही दार्शनिक अवधारणा में, दार्शनिक अवधारणा देने वाले हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि यह मनुष्य केवल हाड़ मांस का टुकड़ा नहीं है, लोथड़ा नहीं है, इस मनुष्य के पास शरीर है तो भूलना नहीं चाहिए, इस मनुष्य के पास यह मन भी होता है, इसके पास बुद्धि भी होती है और साथ ही साथ आत्मा भी होती है। हम ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं जो हर व्यक्ति के तन को, तन के सुख के लिए धन धान दे सके, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान दे सके, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान दे सके और आत्मा के सुख के लिए भगवान दे सके। अब कोई कह सकता है, अब यह भगवान क्या है इसको मैं डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे होंगे, वो कहेंगे यहां भगवान की बात राजनीति में कहां आ गई, गॉड की बात कहां से आ गई। लेकिन बहनों भाइयों, इस विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारी पार्टी की दार्शनिक अवधारणा अद्भुत है, इसलिए विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। अब जैसे आत्मिक सुख आपको कैसे मिलता है, एक व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता बनता है तो जितना जो सुख मिलेगा उससे कहीं अधिक, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समाज, कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरे राष्ट्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी प्रकृति पूरी सृष्टि के साथ एकात्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी विभूतियां हमारे भारत के अंदर होती हैं। सचमुच आत्मिक सुख तो उन्हें ही प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति तो उन्हें ही होती है। तो मैंने सब मिला जुला कर हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा भी देने का काम किया है, उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। और उस पार्टी का सदस्यता अभियान हमारा आज से प्रारंभ हो रहा है, और हम लोग अकेली राजनीतिक पार्टी हैं इस देश की। ठीक है, साम्यवादी कहते होंगे कि उनका सदस्यता अभियान चलता है, वो करते होंगे, लेकिन उनसे हमारा भिन्न है। उठाकर कोई देखे, बराबर विधिवत नियमित रूप से हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, संगठन की रचना की है, संगठन के आधार पर कामकाज किया है। और मैं देखता हूं बराबर प्रधानमंत्री जी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, फिर भी बराबर संगठन को उन्होंने सम्मान दिया है, संगठन के कार्यकर्ताओं की चिंता की। और यह सदस्यता अभियान आज से हमारे अध्यक्ष जी प्रारंभ कर रहे हैं, और पहला सदस्य यदि कोई बनेगा तो हम सभी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वहीं से यह सदस्यता का सिलसिला प्रारंभ होगा। एक निवेदन मैं अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं, आप सबसे भी और देश भर के कार्यकर्ताओं से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं, सदस्य तो हम बना लेते हैं मोबाइल के माध्यम से, कभी कभी अपनी सदस्यता की जो रसीद वहियाँ होती हैं उसके माध्यम से भी हम सदस्य बना लेते हैं, उसके बाद हम किसको हमने सदस्य बनाया हम उसको भूल जाते हैं। बहनों भाइयों, आपका भी कद बढ़ेगा यदि जिसको आपने सदस्य बनाया है कभी कोई जरूरत हो उठाकर टेलीफोन कर लिया, यदि बहुत नजदीक है आसपास है तो दुख सुख की घड़ी में उसके साथ यदि आप खड़े हो गए तो आप देखिए पार्टी का क्या स्वरूप बनेगा, पार्टी कितनी जीवंत हो उठेगी। और मैं तो कहना चाहता हूं संगठन के काम में लगे हुए लोगों से कि आप नीचे के कार्यकर्ताओं को भी बतलाइए, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को जिनको आपने सदस्य बनाया है, साल डेढ़ साल में उनको एक बार याद कर लिया करिए, भले ही उनकी सक्रिय भागीदारी राजनीति में न हो, पार्टी की जीवंतता, पार्टी की जीवंतता सदैव बनी रहेगी। बिना बुलाए मान लीजिए कोई सामान्य कोई ऐसा कोई व्यक्ति है समाज का
जिसके यहाँ शादी हो रही है, आपने उसको सदस्य कभी बना रखा है, निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन आपने यदि सदस्य बनाया है, बिना बुलाए उसके शादी में पहुंच जाइए, उसके काम किसी काम काज में पहुंच जाइए। पार्टी सदैव जीवंत रहेगी और इस काम को आप सब इसे तहे दिल जिसे कहते हैं प्रारंभ करें। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं और फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अन्य लोगों से भिन्न है। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नय धातु से बना होता हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किधर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राजनीति जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम यथार्थ सच्ची राजनीति कहते हैं। और वह राजनीति करने वाली यदि पार्टी इस हिंदुस्तान में यदि कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं और आज से हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हो रहा है। तहे दिल हम सबको इस सदस्यता अभियान में जुटना चाहिए और उसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पुनः प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और अध्यक्ष जी के द्वारा इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस सदस्यता अभियान की सफलता के लिए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।